like cute Hanya. Where are you going? Elephant. Zoo. Zoo. Say zoo. Pehle bolo hello guys. बोलो हेलो गाइस, आप कहाँ जा रहे हो? जू जा रहे हो? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी थी तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, और आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया है तो मैंने व्लॉग सोचा कि व्लॉग शूट कर लूँ। तो आज हमारी प्लानिंग है द मुंबई जू जाने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग हानिया को बोल रहे थे कि आपको जू ले चलेंगे। तो आज फाइनली हमारा जाने का प्रोग्राम बन चुका है और हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हानिया जब भी टीवी में कोई भी एनिमल्स वगैरह देखती थी तो कहती थी पापा मुझे देखना है, तो इसके पापा ने बोला कि चलो लेट्स गो द मुंबई जू। अब हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भाईकला जू, तो आगे की अपडेट आपको आगे मिलती रहेगी। हानिया सरप्राइज, और हानिया को सरप्राइज है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय, जैसा कि जू में। और ये रहा एंट्रेंस, ये आप जैसे ही बाइकुला में एंटर होंगे तो ये आपको सामने ही दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जू है और यहीं अंदर ही पार्किंग है, तो यहाँ पर आप अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, पार्किंग चार्ज ओनली 20 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर पार्किंग टिकट ले लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज संडे है तो संडे के दिन जू में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि एक्चुअली सब लोग फ्री रहते हैं इस दिन, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्राउड तो मिलेगा ही। तो अब जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ गाड़ी को पार्क करने के लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं। हानिया, आप हैप्पी हो? आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। ओके। जैसे ही आप जू में एंटर होंगे आपको टिकट काउंटर्स दिखेंगे। टिकट यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अवेलेबल हैं, तो हम आए हैं ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे उन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अपने टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर QR कोड है, उसको स्कैन करके आप पेमेंट डन करके और आप अपने यू कैन गेट योर टिकट्स। तो यहाँ पर हमने हमारे टिकट्स ले लिए हैं और टू अडल्ट्स के साथ एक किड्स का फ्री था, तो हानिया का टिकट तो लगा ही नहीं, बस टू टिकट। और मैं आपको बता रही हूँ टिकट चार्जेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो आप लोग जा सकते हैं। और ये रहा एंट्री गेट, यहाँ से आपको एंटर होना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जू में एंटर होते ही आपको थोड़ी दूरी पर आपको मैप मिलेगा कि कहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं और कैसे कैसे पार्क एरिया है, कहाँ कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सा व्यू पॉइंट है, वो सारा आप इस मैप के ज़रिए देख सकते हैं। तो हम हो चुके हैं एंटर, और मैं बताना चाहूँगी पार्क तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप
देख रहे हैं हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी फील हो रहा है। और जू का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, उसके अंदर आप जा सकते हैं और पूरा जू देख सकते हैं। जू जो है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब पूरा दिन या क्या बोले मतलब 3 to 4 आवर्स आपको लग सकते हैं पूरा जू घूमने के लिए। और इतना ज़्यादा क्राउड था और उसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही थी। अब हम लोग निकले, फर्स्ट पॉइंट था, बहुत सारे स्लॉथ बेयर को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ देखी आप लोग। जानवर ही क्या है? लेकिन नो नो वन, ओ शिट व्हाट इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर, और टाइगर को देखने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इतना ज़्यादा क्राउड है कि क्राउड को देख कर ऐसा लग कभी फील होता है देखे भी या ना देखे, बट आए हैं तो देखना है तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर जो था सब लोग टाइगर को देखने पहले टाइगर का कटआउट देखना पसंद कर रहे थे, तो हानिया भी उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, तो हानिया को भी वहाँ पर अच्छा लगा। तो हानिया ने कुछ पिक्स लिए हैं टाइगर कटआउट के साथ। और यहाँ देखो अगेन क्राउड को फेस करके ही आप टाइगर को देख सकते हैं। तो हमने भी कोशिश की और देखिए यहाँ पर टाइगर जो है स्लीपिंग मोड में है, क्योंकि सोए हुए टाइगर को इतना देख रहे थे, जब वो जग जाता तो क्या होता। और बस क्राउड दिखा, हर जगह इंसान दिख रहे हैं, जानवर कम इंसान ज़्यादा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अंदर की तरफ लास्ट में हजरत हाजी पीर अली साहब की दरगाह भी है, तो वहाँ बहुत सारे ज़ियारत के लिए जाते हैं। और मतलब बहुत अच्छी दरगाह है, आप लोग मानेंगे नहीं, बस अंदर की तरफ आप जाओगे लास्ट पॉइंट पे आपको दरगाह भी मिलेगी जहाँ पर आप जाके ज़ियारत कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कैफ़े भी था जिस पर भी क्राउड, मीन्स कहते हैं ना इतने सारे जगह में सिर्फ एक कैफ़े था, तो वहीं पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। नेक्स्ट था हिप्पोपोटामस जो भी सोया हुआ था, मतलब उसको देखकर कुछ भी मतलब फील ही नहीं हो रहा था, मतलब वो भी लेजी और ऐसा आई एम हिप्पो तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट वो हिप्पोपोटामस जैसा नहीं, वो लेजी सोया हुआ था जैसे कि देख रहे हो आप। बस दो हिप्पोपोटामस हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट था मंकी पॉइंट, यहाँ पर बंदर थे बस ज़्यादा नहीं थे, दो तीन एक बंदर थे। और यहाँ पर भी पब्लिक की वैसी ही भीड़ जैसा कि आप लोग देख रहे हो। अब नाउ हिप्पो जाग गया था, तो फिर आते वक्त हमने ये वीडियो शूट किया। और देखो ये रहा हिप्पो। नेक्स्ट इज डियर पॉइंट एंड अदर एनिमल्स भी थे जो यहाँ पर दिख रहे थे। डियर्स अच्छे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, लुकिंग वॉज गुड। और नेक्स्ट वहाँ पर अंदर एक जापानीज गार्डन था जो कि बहुत खूबसूरत गार्डन था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर पॉइंट पे यहाँ पर इन्होंने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए छोटा भीम, चुटकी, बेयर और बहुत सारे जानवर को देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको कर रखा था। मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, मुझे तो इतना ख़ास नहीं लगा जू, क्योंकि एनिमल्स तो थे ही नहीं, सिर्फ इंसानों की भीड़ थी वहाँ पर। पार्क बहुत सुंदर था बट जू के नाम पर ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं था, तो बस चलते जाओ और सिर्फ गार्डन थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक योर थानिया। थैंक यू सो मच।